नमस्कार, मैं दिनेश कुमार इस वक्त बाराबंकी जनपद के कस्बा सिद्धौर में खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ समस्याएं हैं जो जनसेवी समाजसेवी हैं उनके माध्यम से जानकारी हुई है। कि नंबर एक समस्या तो यह है कि जो चौराहा पड़ता है मिल चौराहा, यहाँ पर जो है किसानों की मांग है कि आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करते हैं, जाम लगा करता है, जिससे कि एक ब्रेकर की मांग कर रहे हैं ज़्यादा दिनों से, वो समस्या है। दूसरी समस्या है कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर नीचे रखा हुआ है ज़मीन पे, जिससे खुले हुए तार जैसे ढूल रहे हैं, जिससे कि बिजली की भी व्यवधान पैदा होता है, उसके बाद कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसान यूनियन के नेताओं ने कई बार मांग की है, धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया है कि इसको जो है थोड़ा ऊँचा कर दिया जाए और जो है बैरिकेडिंग करा दी जाए, जिससे कि दुर्घटनाएँ ना हो, लेकिन शासन प्रशासन कानून में तेल डाल करके बैठा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये समस्या मीडिया के माध्यम से किसान लोग अवगत कराना चाहते हैं कि इसको जो है समुचित व्यवस्था तत्काल किया जाए। और तीसरी समस्या है, आप दिखाया कि तीन शौचालय वार्ड कूड़े मक्का बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, लेकिन इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चौराहा है, यहाँ पर जो है करीब करीब 2400 घंटे लोग रहते हैं, यहाँ अस्पताल भी है और चौराहा है, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। जैसे समय दिया हुआ है कि 4 बजे से 8 बजे तक, 5 बजे से 9 बजे तक खुलेगा, 5 बजे से 9 बजे तक, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुलेगा, लेकिन यहाँ की जनता की समस्या है कि यदि दिन के 12 बजे यदि किसी की शौच की व्यवस्था शौच हो लग गया तो कहाँ जाएगा? दूर दराज के लोग आते हैं कस्बे में, लेकिन उनकी समस्या बनी रहेगी, तो इन लोगों की मांग है इसकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ के कुछ समाज सेवी हैं, बहुत से ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, प्रकरण से दिखाए कि जो ग्रामीण हैं इनकी समस्या, इनका कहना है कि ये जो है व्यवस्था त्वरित कराई जाए। हमारे पास कुछ समाज सेवी हैं, उनसे भी मैं जानकारी कहना चाहूँगा। भाई साहब, सबसे पहले आप बताया नाम क्या है? मेरा नाम परिजन गौतम है, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला महासचिव हूँ, और हमने कई बार इसके बारे में ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी जो जिले की प्रशासन है कान में अपने जो है तेल डाले बैठी है। अगर इसमें कोई दुर्घटना घट गई उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने प्रार्थना पत्र भी कई चक्कर दिया है, उसके बाद ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए मैं DS न्यूज़ के माध्यम से अपनी सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि इसका उच्चीकरण कराया जाए, जिससे ये समस्या से बचा जा सके। और वहाँ जो ब्रेकर के बारे में हमने बात की, वहाँ कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन मेरी कोई सुन नहीं रहा है। अगर ये नहीं सुन रहा है तो इसके लिए मैं आपका क्या नाम है? मेरा नाम परिजन गौतम है, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला महासचिव हूँ। हम बात उठते हूँ। अच्छा, आप कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त? मैं इस वक्त सिद्धौर मीर चौराहे पे खड़ा हूँ। क्या समस्या है इस चौराहे की? हमारी समस्या इस चौराहे की ये है कि यहाँ से चारों तरफ से गाड़ी आती है, यहाँ कोई ब्रेकर नहीं है जी। और लोग जो है यहाँ रोड के किनारे भी जो है अतिक्रमण किए हुए हैं, और पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है। अतिक्रमण हटाया जाए और उसके बाद जो है ब्रेकर बनाया जाए। आपने कहीं शिकायत की इसके लिए? ये हमने कई बार जो है अपने माध्यम से कई बार की ज्ञापन दिया हूँ जी, लेकिन आज तक कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने ट्रांसफार्मर के लिए भी शिकायत की है। जहाँ तक संज्ञान में आया है कि नियम है कि रोड पर ब्रेकर नहीं बन सकता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी, रेड पर अगर ब्रेकर नहीं बन सकते हैं तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस प्रशासन होगा या DM होगा, यानी जिला अधिकारी होंगे, या कौन होगा? नहीं, अच्छा, उसके बाद अभी आप कह रहे थे कि ये जो बाराबंकी से हैदर रोड है, वहाँ पर कोठी के बाद मदारपुर चौराहा पड़ता है, वहाँ पर ब्रेकर बना हुआ है। जी जी जी। तो उसी तरीके से यहाँ पर बनवाने की मांग कर रहे हैं? जी जी। यदि आपका कहना है यदि यहाँ पर जो है मदारपुर चौराहे बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है जी, तो आप जो है शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से यही मांग करना चाहता हूँ, जैसे जो है हमारे मदारपुर चौराहे पे हैदरगढ़ रोड पे बनाए हुए हैं, वैसे ब्रेकर यहाँ बनाए जाएँ, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। धन्यवाद।